लड़की वाली करके दिखाना मेरे। तो आपका मॉडल करियर कर लेते खत्म है इस वीडियो के वायरल होने के बाद। बैक टू माई YouTube चैनल, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो ब्लॉग है, आज मैं और निशा भाभी हम जा रहे हैं, सेक्टर 22 भी जाएंगे, 17 भी जाएंगे और शायद अलांटे भी जाए शाम को। वैसे तो हम कल भी गए थे बट कल मैं ब्लॉग बनाना भूल गया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी थी और काम बहुत था, तो इतना फिर ब्लॉग और वो इकट्ठे नहीं हो पाता। मतलब थोड़ा बहुत काम है, देखेंगे वहाँ जाके क्या होता है क्या नहीं, जो मिलेगा उठा लेंगे। वहाँ पे थोड़ा एक दो कैफे में जाएंगे, फिर हम सतारा जाएंगे, फिर अलांटे जाएंगे, देखते हैं। क्योंकि सतारा से मैंने एक जीन ली थी लिवाइस की, तो वो मेरी जीन थी 4,500 कुछ की, और कल मैं अलांटे गया था तो वो ट्रेंड्स में मेरे को लीक ऊपर की 1700 की जीन पड़ गई। और बाद में मेरे को लगे हाय राम, मैं तो ठगा है, मतलब ठगोई या मैं था लिवाइस जाके ठगो। मतलब वो लिवाइस की फिटिंग अच्छी होती है बट वो इतनी अच्छी फिटिंग उस टाइम नहीं थी, बट मैंने सोचा चल ले लेता हूँ कोई बात नहीं। और जब मैं कल अलांटे गया तो उससे भी ज़्यादा अच्छी फिटिंग मेरे को लीक ऊपर की आई, और बाद में मेरे को बड़ा रिग्रेट हो रहा था। मैंने कहा राम इतनी महंगी जीन खरीद ली। फिर मैंने रात रात को उनको फ़ोन किया 10:30 बजे लिवाइस स्टोर पर, मैंने कहा ऐसे ऐसे जीन ली थी वो एक्सचेंज हो जाएगी। बोलते एक्सचेंज हो जाएगी, तब वो जीन एक्सचेंज करवा के मैं कुछ और लूँगा उसकी जगह, तो देखते हैं। फिर ऐसे ऐसे काम है, मतलब आज छोटे मोटे, तो फिर हम चलते हैं। पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, सबसे पहले ब्रश वगैरह नहा नू धो के जो भी है उसको करके फिर हम चलते हैं। फिर आपको अपने साथ लेके चलते हैं चंडीगढ़ की गलियों में, ठीक है? बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। सो फाइनली आई एम रेडी और भाभी भी ऑलमोस्ट तैयार है, फिर हम चलते हैं। अभी हम कैब करेंगे, पहले जाएंगे सेक्टर 22, वहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे। चंडीगढ़ आगे 22 नहीं गए, शास्त्री मार्केट तो क्या गए है ना, तो उसके बाद हम जाएंगे सेक्टर 17। जैसे कि मैंने आपको बताया था जीन एक्सचेंज करवानी है, मिन जो तो हॉल ही पे ही है इसलिए नहीं हॉल पड़ा कि वो इतनी महंगी थी, हॉल इसलिए पड़ा क्योंकि उसी उसमें सस्ती, मतलब 1600-1700 रुपए की जीन। दूध दे दो थोड़ा सा, फिर हम जाएंगे अगर टाइम बचा हमारे पास तो अलांटे। और अलांटे में भाभी के लिए एक वो दी थी स्वेटर, तो वो साइज़ थोड़ा बड़ा आ गया गलती से, तो वो एक्सचेंज करवानी है। बाकी परफ्यूम्स वगैरह का ले लिए थे हमने, बाकी चलो चलते हैं अब हम। ये डालो कि बॉर्नविटा डालो? ये डाल दो जो मर्जी, पहले हम पी लेते दूध। दूध बॉर्नविटा कितना डालना है मेरा फेवरेट। हाँ जी, तो पहले दूध पी लेते हैं बॉर्नविटा वाला, फिर तो एनर्जी आ जाएगी थोड़ी बहुत। वेरी टेस्ट। हम हैं निक बेकर्स अरोमा चौक, पहले हम कुछ पेट पूजा कर लें, फिर उसके बाद हम चलते हैं घूमने फिरने। और वो शरारती तत्व ये है, तो अभी हमने पिज्जा ऑर्डर किया है, साथ में कॉफी ऑर्डर की है, और क्या ऑर्डर किया है? कॉफी और पिज्जा फिलहाल। कैसा है? हम इसके बाद जाएंगे सेक्टर 22। सो राइट नो, हम 22 पहुंच गए हैं, बट 22 से पहले हमने थोड़ा बहुत सामान लिया है गोगी भैया की शादी के लिए, एक मटकी चौंकी और शगुन वाला थोड़ा बहुत सामान। सो ये है द वेरी फेमस स्ट्रीट ऑफ सेक्टर 22, जहाँ पे रेडी मार्केट लगती थी और यहाँ पर इतना रश होता था कि मतलब चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे वो सारी दुकानें कहाँ गई, और कईयों को लगता है वो परमानेंटली उठा दी गई हैं, बट ऐसा नहीं है, वो इसकी बैक साइड को शिफ्ट कर दी है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो कहाँ पर शिफ्ट की हुई। तो यहाँ पे मैं अपनी दादी जी के लिए गरम सूट ढूंढ रहा था, फाइनली मुझे एक मिल गया और बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो पैक करवा लिया। ओके।
सो अब हम लोग एंटर हो गए हैं द मेन शास्त्री मार्केट। ये रेडी मार्केट नहीं है, ये शॉप्स और जो बूथ्स हैं ये मेन मार्केट है। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सामान मिल जाता है, चाहे वो लेडीज़ का हो, जेंट्स का हो, बच्चों का, बुजुर्गों का, और बहुत ही रिजनेबल रेट्स पे। बट हाँ, आप में पेशेंस होना ज़रूरी है, और अगर आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें तो आप बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ से खरीद के वापस जा सकते हैं। सो हम तो यहाँ पे ज्वेलरी और थर्मल्स देखने आए थे, जो कि हमने ले लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो रेडी मार्केट है वो कहाँ पे है। सो ये है द मेन रेडी मार्केट, जहाँ आपको 100, 200, 300, 400 में कई बार बहुत अच्छा सामान भी मिल जाता है, अगर ध्यान से देखो। राइट साइड पे है मेन मार्केट, शॉप्स, बूथ्स, और लेफ्ट साइड बिल्कुल इसके अपोजिट है ये रेडी मार्केट। सो यहाँ पे बहुत रश होता है। तो हम जा रहे हैं सेक्टर 17, और ऑटो में मैं कम से कम 2-2.5 साल बाद सफर कर रहा हूँ, मतलब कोविड के बाद। अभी तक मैं पहले चंडीगढ़ ही था, 2015 से मैं चंडीगढ़ नहीं हूँ, बट कोविड करके 1-2-3 साल से मतलब घर पे ही था। तो आप मज़ा आ रहा है ऑटो में सफर करके इतने टाइम के बाद। अब हम जा रहे हैं सेक्टर 17, लिवाइस के स्टोर जाना है, फिर तो उसके बाद कुछ खाते पीते, अगर मन किया है लांटे का कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत थके, और अब हम नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे घर। तो अभी हम चलते हैं सेक्टर 17। और भाभी को टेम्पो वाला झूठे दे रहा, भाभी बोले मेरे को झूठा दे दो, झूठे लाया थी। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सेक्टर 17। सो ये है सेक्टर 17। हम पहुंच गए हैं लिवाइस, बढ़ते हैं अंदर, बढ़ते हैं। ये हो रही है रैंप वॉक, आ जाओ अबे मैं मेरा जी है तो जी जी वाली फिर वॉक होगी आज भी इन साहब दंत की शंदर चलेंगे यानी वॉइस काट देना प्लीज लड़की वाली करके दिखाना मेरे आपका मॉडल करियर कर लेते खत्म है इस वीडियो के वायरल होने के बाद। इतनी सावधान की जो चक्कर भाई, कैजुअल चलो, कैजुअल चलो ना, कैजुअल वी आर डन विद द शॉपिंग, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। पर पहले हम कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी है, प्यास भी बहुत लगी है। सो ये है सेक्टर 17 की मेन मार्केट, जहाँ पे रेडियां लगती थी, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बट पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पूरी लेने यहाँ पे रेडीज ही रेडीज रेडी, यहाँ से लेके वो लास्ट तक पीछे रही है, वो फाउंटेन है जहाँ पे मतलब शोज वगैरह भी होते हैं, काफ़ी सिंगर्स वगैरह भी आते हैं। भाभी साड़ी थकी ये बुरेल है, और अभी बोल रहे पहले बैठ जाते थोड़ी देर, फिर हम देखते हैं कुछ खाने पीने का। सो खाने का प्लान हमारा थोड़ा चेंज हो गया, हमने सोचा घर जाके खाते क्योंकि थक भी गए और हमें कुछ मिल भी नहीं रहा था ढंग का यहाँ पे।
और घर जाएंगे अभी, वहाँ पे खाते हैं। और अभी हम कैब कर रहे हैं, कैब का वेट, बस है शालिका में बैठे हैं सेक्टर 17। हाँ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और अब कैब करते हैं फिर हम चलते हैं घर। और शॉपिंग तो हमने देख ली, किड्डी पैरी कर ली, वहाँ कम्बर तो उससे खरीद ही लिया। सो फाइनली हम और हम थक गए थे तो नीचे अभी लिफ्ट में बैठ गए थे तो अभी हम पहुंच गए हैं, तो अभी हम चलते हैं, फटाफट दरवाजा खोलो। हाय हाय, सो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और अब करते हैं राम। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय।